अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों ने मेरा वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मतलब ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है यूट्यूब पर। काफ़ी मतलब 2 साल पहले मैंने यूट्यूब पर 2-3 वीडियो अपलोड किए थे व्लॉग्स ना, तो वो मतलब मज़ा नहीं आ रहा था उसमें, काफ़ी छोटा भी था और मतलब वो थे ना यूज़ नहीं आ रहे थे, उसकी वजह से मैंने मतलब वो वीडियोज़ डिलीट कर दिए थे। तो आज मतलब आप समझें कि यही मेरा फर्स्ट व्लॉग है यूट्यूब पर। देखिए ये मेरे ख्याल से 8 महीने पहले ये मैंने प्लांट किए थे और ये देखो मतलब मेहनत का सलाम मिल गया। मतलब 8 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह ये कितने बड़े हो गए देखे, और इन्हीं को देख के मैं मोटिवेट हूँ। मैं सोच रहा था कि अभी मतलब देखो 8 महीनों में मुझे सलाम मिल गया, तो मतलब अगर इतना मिल रहा है तो मैं भी यूट्यूब पर अगर आ जाऊँगा तो 8 महीने के अंदर इंशाल्लाह ग्रो कर जाऊँगा। फर्स्ट व्लॉग है इस यूट्यूब पर, इसीलिए मतलब थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि ब्लॉग में क्या क्या बताऊं, तो जैसे ही मतलब करता जाऊंगा समझ आती जाएगी कि मतलब क्या क्या ब्लॉग में किया जाता है ना। ये मोहम्मद अयान, इसने आज सेकंड पोजीशन ली है अपने स्कूल में, इसका नाम है मोहम्मद अयान। ये देखिए 700 में से 666 सेकंड पोजीशन है और ये इसकी ट्रॉफी है। ये देखें, ये माशाल्लाह, ये मतलब पता नहीं क्यों डरता है इतना। ये देखो रोएगा, ये देखो पता नहीं क्यों रोता है, मतलब समझ नहीं आती बात को, पूरा दिन रोता है, मुझे देखता है ना फिर रो लेता है मतलब। ओ गिर गया। एक्चुअली हम हैं सिंधी ना, घर में सारा मतलब जो लोग बोलते हैं ना वो हैं सिंधी, पूरा दिन घर में सिंधी होती है। मैं रहता हूँ असल में कराची में ना, इसीलिए यहाँ पे आया था। गाँव में सर्दियों की मतलब क्लासेस नहीं थे ना, तो सर्दियों की वजह से यहाँ पर आया, गांव में आया हुआ हूँ ना, इसीलिए मतलब दोस्त, अभी ये दोस्त आया था मेरा। हाय भाई, कैसे हो? दोस्त आया था ना, तो मतलब रोज मतलब ऐसे ही यार, मत करना मुझे कोई। काफी दिनों से गांव में आया हुआ हूँ ना छुट्टियों पर, तो दोस्त के साथ ऐसे ही मतलब थोड़ा दूर निकल जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वैसे ही दूर थोड़ा निकल जाता हूँ तफरीह के लिए, मजे के लिए। ये जो मतलब गांव में तो गाइस हरियाली हरियाली यहाँ पर, यहाँ पे हम पहुंच गए। ये देखे, ये मेरा दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये देखो नले सामने, ये मस्जिद है माशाल्लाह, प्यार बहुत प्यारी मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम। गांव के लोगों को बात ये लगे, यकीन करो आप। ये इस तरफ हरियाली हरियाली, ये बनता है जो मेरे साथ हमेशा साथ ही आता है। गाइस अभी यहाँ पे सर्दियाँ आ गई ना, मतलब मज़ा आ रहा है बिल्कुल, यहाँ पर मज़ा ही अलग आता है, अलग अलग सी फीलिंग आती है यकीन। गाइस आप लोगों की ज़ुबान में मतलब ये जो ऊपर ऊपर बर्फ़ जैसी लग रही है, आप इसको क्या बोलते हैं? मुझे तो पता नहीं, ये कमेंट में बताना आप इसको क्या मतलब ये बोलते हैं, इसको जो वाइट वाइट सफ़ेद है ना इसको क्या बोलते हैं? ये देखो बीच में रास्ता है, दोनों तरफ पानी पानी है। ये भी देखो पाँव जैसे रख रहा है ना, पाँव मतलब कीचड़ है ना, यहाँ पर अंदर जा रहा है पाँव, मतलब बहुत ही अंदर जा रहा है पाँव, पानी है ना इस तरफ, बीच में सूखा हुआ है यहाँ पे पानी। ये देखिए पाँव, ये देखिए, मैंने YouTube पे देखा था ये जो मतलब निकालते हैं इसके अंदर मछलियाँ होती हैं, बहुत से ब्लॉग मतलब वीडियो देखे मैंने ऐसे, मतलब यहाँ पर ऐसा है ही नहीं, पता नहीं वो क्या करते हैं, समझ। ये भी हंस रहा है देखो, सही है ना भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये भी निकाल रहा हूँ, मछलियाँ तो है ही नहीं, लोग कैसे बोलते हैं। वहाँ से हम आए थे यहाँ पर, अभी हम सोच रहे हैं कि मतलब यहाँ से कूद के जाएं उस तरफ, तो ये भाई सोच रहा है कब से कि मतलब जाऊं देखते हैं। हाँ भाई हो जाएगा काम? नहीं भाई नहीं होगा, देख लो कोशिश।
आप अगर जाओगे वहाँ कीचड़ है ना, इसलिए नहीं। आप अगर जाओगे तो मतलब मैं भी चला जाऊंगा वहाँ पर। नहीं नहीं, वहाँ कीचड़ है इसलिए नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पर होते हैं मतलब चावल का फसल, तो अभी सर्दियाँ आ चुकी हैं तो उससे पहले ही मतलब चावल काट दिया गया है। वहाँ पर, वहाँ पर भी थे, और ये यहाँ पर मतलब वहाँ से सब कुछ आप देख सकते हैं, सब कुछ कुछ भी नहीं है, सब कुछ कुछ कट चुका है। वो वहाँ से मतलब चक्कर लगा के हम लोग वापस आ गए थे, भी मतलब मैं ना के आ गया हूँ। अभी मेरा पहला व्लॉग था, इसीलिए मतलब आज इस व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, मिलते हैं अगले इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।